हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक जेटली। आज मैं आपको एक ऐसा हेयर स्टाइल बताऊंगी जो आप छोटे बालों में भी बना सकते हो और आप लहंगे पे भी बना सकते हो, आप साड़ी में भी बना सकते हो और आप दुल्हन के भी बना सकते हो और खुद अपने भी बना सकते हो। तो पहले हम बालों को, आगे के बालों को आधा कर देंगे, आगे के बालों को छोड़ देंगे और पीछे के बालों को अच्छे से सुलझा करके, कंघी करके एक पोनी बना लेंगे इस तरह से। और पोनी को थोड़ा सा टाइट ही रखेंगे, तो एक बड़ी रबर बैंड से हम इस तरह से एक पोनी बना लेंगे। और ये आप छोटे बालों में भी बना सकते हो और बहुत ही जल्दी भी बन जाएगा, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम छोटी डोनेट लगाएंगे, बहुत बड़ी वाली डोनेट हमने नहीं यूज़ की है। और आप अगर आपके पास डोनेट नहीं है तो आप मोटा सा रबर बैंड भी ले सकते हो। और उसके बाद हम इसको इस तरह से जूड़ा पिन से सेट कर देंगे और जो आपका रबर मोटा वाला बैंड होता है वो भी जूड़ा पिन से सेट हो जाएगा। आपको लगेगा कि वो सेट कैसे होगा, तो वो जूड़ा पिन से सेट हो जाएगा। और इनके हम आगे बेंदा भी लगाएंगे। तो पहले हम बीच की मांग को इस तरह से निकाल लेंगे, बालों को डिवाइड कर देंगे और बेंदे को हम इस तरह से सेट कर देंगे पिन से, बॉब पिन से इस तरह से हम लगा करके सेट कर देंगे। क्रॉस में ही लगा देंगे जैसे कि बेंदा ही लेना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे के जो जहाँ पर हमने मांग बेंदा लगाया है वहाँ से हम बालों को इस तरह से उठा लेंगे और इसको हम इसमें वैक्यूमिंग करेंगे। अब बेंदा इनका चौड़ा है तो मांग थोड़ा सा फट रही है, लेकिन बाद में नहीं होगी, एक सी हो जाएगी। तो हम नीचे से वैक्यूमिंग करते जाएंगे और उसके बाद हमने स्प्रे कर दिया। और फिर हमने एक पतली वाली डोनेट ली है, स्टफी सॉरी, और स्टफी से हमने मोड़ करके और बेंदे के पास इस तरह से हमने सेट कर दी जैसे कि बिल्कुल भी बेंदा नहीं, और बहुत ही पतली वाली हमने स्टफी ली है और इसको हम इस तरह से लगा देंगे। फिर हमने थोड़े से बालों को और लिया और उसमें स्प्रे कर दिया। फिर रूट कॉम से हम इस तरह से सेट कर देंगे। रूट कॉम आपको आसानी से मार्केट में, जहाँ से आप कॉस्मेटिक शॉप से सामान लाते हो वहाँ पर आपको मिल जाएगी 150-200 तक की। और उसे आपका जो पफ है या बाल में आप जब स्प्रे करते हो तो बाल चिकना हो जाता है बिल्कुल, अगर आप उसे कंघी करते हो तो बाल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर आगे के बालों को हम उठाएंगे और पहले हम स्प्रे कर देंगे। फिर हमने दोनों बालों को इस तरह से ट्विस्ट किया और ट्विस्ट करके हम पीछे तक ले आए और फिर थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट हल्का सा लूज कर दिया हमने और यहाँ पर हम पिन से सेट कर देंगे। और अभी आपको ऐसा लग रहा होगा जब पूरा जूड़ा बनेगा तो आप देखिए काफ़ी खूबसूरत सा आएगा। और इसको हमने यहाँ सेट कर लिया। फिर हमने जो नीचे के बाल बचे इनको भी हमने इस तरह से ट्विस्ट किया दोनों तरफ से और घुमाकर हम पीछे की तरफ ला करके हम इसको पिनअप कर दिया। तो आप देखो कि कितनी जल्दी आसानी से आपका ये जूड़ा बन जाएगा। और थोड़ा सा हम ये साइड वाला जो नीचे वाला लिया है इसको हम लूज कर देंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इनका फेस देखो थोड़ा सा बड़ा है तो जिसपे फेस पे गिरे हुए बाल इनके ऊपर काफ़ी अच्छे लगेंगे। और इधर का हमने थोड़ा सा लूज रखा है, उधर का हम बहुत ही ज़्यादा लूज रखेंगे। तो आप अभी उधर का भी देखिएगा उस साइड का। और फिर इस तरह से हमने पिन करा। फिर हमने इसको भी इस तरह से दो भागों में बालों को लिया और ट्विस्ट किया बालों को और ये नीचे वाले को भी ले लिया इसी में और ट्विस्ट कर दिया। और इसके बाद हम इसको बिल्कुल लूज़ कर देंगे जैसे ये माथे पे गिर जाए और काफ़ी लूज़ लूज़ सा लगे, तो इसको भी हम और लूज़ करेंगे इस तरह से, बिल्कुल ही लूज़ कर देंगे जैसे काफ़ी, ये देखिए इस तरह से कर देंगे और ये माथे पे गिरा हुआ लगेगा तो थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा और अच्छा खूबसूरत भी लगेगा। फेस आप आगे से देखिएगा काफ़ी अच्छा सा लगेगा। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर जुड़े पिन से इसको हम बालों को सेट कर देंगे। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आलोक जेटली के नाम से है और मेरे काफ़ी सारे वीडियोस पड़े रहते हैं, आप उनसे देख सकते हो, सीख सकते हो। और मैं इसमें वर्क्स वगैरह देती हूँ तो आप उनको देखिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको मेरे वर्क्स कैसे लगते हैं। और मैं कानपुर के भी मैंने कई सारे डाले हैं, अगर आपको कानपुर से और ज़्यादा देखना है या कानपुर शहर या लखनऊ तो आप मुझको मैसेज के द्वारा बताइए तो मैं आपको घूम घूम कर और अच्छे वीडियो आपको देती रहूँगी। तो आप अपने मैसेज के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वर्क्स कैसे लगते हैं। और मैं भी शादी में गई थी तो वहाँ का भी मैंने डाला था तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगा और इसके लिए मेरा बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।
और इसके बाद हम इस तरह से बालों को लपेटते जाएंगे। और इनके बाल थोड़ा सा बीच बीच में से टूटे हैं तो हम पहले स्प्रे थोड़ा सा कर देंगे। स्प्रे करने के बाद इस तरह से लपेट देंगे तो एकदम से चिपक करके अच्छे से बाल हो जाएंगे और जल्दी भी बन जाएगा। और जूड़े पिन से ही हम इसको पहले सेट करेंगे, फिर बाद में हम पॉप पिन से एक दूसरे में जोड़ देंगे। अगर कहीं लगेगा कि लूज़ है तो हम बॉब पिन लगा देंगे, वैसे हम जूड़ा पिन से ही इसको इस तरह से सेट करते जाएंगे। इस तरह से ये जलेबी जैसी बन जाएंगी, गोल गोल फूल फूल से। आप इसको जलेबी जूड़ा भी कह सकते हो, आप फूल जूड़ा भी कह सकते हो, आप रोज़ जूड़ा भी कह सकते हो, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हो। और इसके बाद फिर हम इस तरह से करते जाएंगे राउंड राउंड घुमा करके। और आपको जहाँ लगे कि हमें इसको इस तरह से खाली लग रहा है, आप वहीं पर इसको इस तरह से आप गोल घुमा करके लगा दो। तो ये आप मीडियम बहुत छोटे बालों में भी कर सकते हो और आप बड़े बालों में भी कर सकते हो और आप दुल्हन के भी बना सकते हो। और मैं शनिवार को 12:30 बजे आलोक जेटली चैनल पे, इसी चैनल पे लाइव आती हूँ, तो देखना ना भूलिएगा, जिसमें आप अपना कुछ भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। और मैं सीमा जेटली चैनल पर ऑनलाइन फ्री ब्यूटी पार्लर कोर्स करा रही हूँ, मंडे को 3 बजे उसमें लाइव आती हूँ। तो आप आराम से देखो और अपना पार्लर खोल सकते हो, अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने अपना पार्लर खोला भी है। और यहाँ पर हम क्राउन पे जहाँ पर हमने स्टफी लगाई थी, वहाँ पर हमने इस तरह से एक इनके पास जुड़े में लगाने का था, वो हमने लगा दिया है। और ये क्राउन टाइप का हो जाएगा, काफ़ी अच्छा लगा। और आप देखो फ्रेंड्स, ये लुक काफ़ी अच्छा है, ढीला ढीला। फिर हम इसमें फूल इस तरह से लगा देंगे, फूल की पूरी डंडी हमने नहीं तोड़ी है, थोड़ा फूल अंदर कर दिया। उसके बाद हम इसको बॉबिन से सेट कर देंगे। तो अगर आपको मेरा ये जूड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे आप घर बैठ के ऑनलाइन फ्री ब्यूटी पार्लर कोर्स कर सको। मेरे सीमा जेटली आलोक जेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अगर आपको ये जुड़ा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं 12:30 बजे शनिवार को आलोक जेटली चैनल पर आऊँगी, तो आप देखना ना भूलिएगा। और इनके आगे बालों में हमने थोड़ा सा काजल लगा दिया है, जैसे कि बाल सफ़ेद सफ़ेद से थे तो वो काले लगने लगे। तो ये फाइनल जुड़ा हो गया। थैंक यू, बाय बाय।